शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 66वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न संख्या 13। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, इसके प्रश्न में क्या है और इसकी उत्तर व्याख्या कैसे की जाएगी। सबसे पहले प्रश्न है यहाँ पर, निम्न रैखिक ग्राफ दो कंपनियों एक्स तथा वाई का 1996 से लेकर 2001 वर्षों के दौरान अर्जित किए गए प्रतिशत लाभ को प्रदर्शित करता है। ग्राफ का अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और क्या दिया हुआ है, दिए गए वर्षों के दौरान एक्स तथा वाई कंपनियों के अर्जित लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। ये ग्राफ में क्या दिया हुआ है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ग्राफ समझते हैं कि ग्राफ में क्या दिया हुआ है। जो आप नीचे से ऊपर के क्रम में आप देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 भी, तो ये हमारा प्रतिशत लाभ दिखा रहा है कंपनी एक्स और कंपनी वाई का 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001 ये वर्ष है। उसके बाद यदि हम 1996 की बात करें तो कंपनी एक्स के लिए जो रेड लाइन ग्राफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये किस कंपनी के लिए, कंपनी एक्स के लिए, तो वर्ष 1996 में जो कंपनी एक्स का परसेंटेज प्रॉफिट है, प्रतिशत लाभ है, वह 40% है, जबकि कंपनी वाई के लिए परसेंटेज प्रॉफिट वर्ष 1996 में कितना है, 45% है। ठीक इसी प्रकार से 1997 में कंपनी एक्स का प्रतिशत लाभ 45 है और कंपनी वाई का प्रतिशत लाभ कितना है, 35 है। ठीक इसी प्रकार से 1998 में यदि बात करें तो कंपनी एक्स यानी रेड लाइन ग्राफ में 55% प्रॉफिट को दिखा रहा है और उसी प्रकार से वाई जो कंपनी है उसके लिए ग्रीन कलर का लाइन ग्राफ है जिसमें 50% लाभ को शो कर रहा है, दिखा रहा है। तो इसी प्रकार से लाइन ग्राफ में इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, सूचनाएं प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक सूत्र का भी प्रयोग किया गया है, इस सूत्र से आप आगे के सवाल बनाने में, प्रश्न बनाने में इसका उपयोग करेंगे। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर दिया हुआ है आय और व्यय के बीच अंतर बटे व्यय और गुना 100। तो इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग आगे के प्रश्न को हल करने में करना है। आइए अब प्रश्न पर चलते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न बताने से पहले मैं जब आय व्यय पर चर्चा आया है तो यहाँ पर थोड़ी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि जो वैसे स्टूडेंट जिनका स्टैटिक्स वीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनको आय और व्यय समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आय और व्यय समझना आसान नहीं है स्टैटिक्स के हल करने को लेकर के। एक दुकानदार के तौर पर आय व्यय को समझना थोड़ा अलग है और किसी कंपनी के तौर पर आय व्यय को समझना थोड़ा अलग है। मूल रूप से देखा जाए तो दोनों एक ही है, लेकिन समझने में थोड़ा सा उल्टा उल्टा लगने लगता है, तो यहाँ समझना इसलिए यह जरूरी हो जाता है। व्यय जो किसी कंपनी के सेंस में कहा जाता है, तो प्रोडक्शन के लागत को, प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्शन लागत जो है उसको व्यय कहते हैं, और तैयार वस्तु को बाजार में बेचने पर जो पैसा प्राप्त होता है उसको आय कहते हैं। ठीक है, आय का मतलब इनकम से है और व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर से है। ठीक है, यानी प्रोडक्शन लागत को व्यय और प्रोडक्शन को बाजार में बेचने पर जो प्राप्त होता है उसको आय यानी इनकम कहते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, यदि वर्ष 1997 में वाई कंपनी का व्यय यानी एक्सपेंडिचर 220 करोड़ रुपए था तो 1997 में उनकी आय कितनी थी, उसका इनकम निकालना है, और प्रोडक्शन लागत कितना दिया हुआ था, 220 करोड़ रुपया। मैंने एक आसान तरीका आपके लिए बनाकर रखा है, बहुत ही सरल है। तो वर्ष 1997 में वाई कंपनी का जो व्यय है प्रश्न में दिया हुआ है 220 करोड़ रुपये है। आप यदि टेबल को देखेंगे वर्ष 1997 में वाई कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो वर्ष 1997 में कंपनी वाई यानी ग्रीन लाइन ग्राफ को देखेंगे तो 35% प्रॉफिट है, प्रतिशत लाभ है। तो वाई कंपनी का 1997 में लाभ प्रतिशत है 35, यही यहाँ पर मैंने लिखा है। तो यह जो दूसरा लाइन है मैंने लाइन ग्राफ से लिया है। अब आपको यहाँ पर सूत्र है,
कि लाभ यदि आपको निकालना होता है तो व्यय गुना लाभ प्रतिशत यदि करेंगे तो आपका क्या निकल जाता है, शुद्ध लाभ निकल जाता है। व्यय का मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्शन लागत को व्यय कहते हैं। तो जितना आपने लागत किया उसमें परसेंटेज प्रॉफिट से गुना करेंगे तो शुद्ध लाभ निकल जाएगा। तो इस प्रकार से शुद्ध लाभ हमारे पास कितना हो जाता है, 77 करोड़ रुपये, 220 गुना 35 प्रतिशत लाभ, और प्रतिशत का मतलब बटे 100, ऐसा जब इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 77 करोड़ रुपये। में आंकड़े दिए हुए हैं तो 77 करोड़ रुपये आपका लाभ हो जाता है। आपने इन्वेस्टमेंट किया था प्रोडक्शन पर, लागत 220 करोड़ रुपए का था, लाभ आपका 77 करोड़ रुपये आया है। तो कुल आय आपसे पूछा था कितना, तो इनकम जो होगा वो जो आपने लागत किया और जो लाभ हुआ है दोनों को यदि जोड़ेंगे तो आपका इनकम यानी आय प्राप्त हो जाएगा। तो 220 आपका प्रोडक्शन लागत था और 77 आपने शुद्ध प्रॉफिट किया है, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका इनकम हो जाएगा। तो ये हो गया दोनों को जोड़ने के बाद 297 करोड़ रुपये। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि वर्ष 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, वर्ष 1997 में दोनों कंपनी का जो इनकम है, आय है, बराबर थी, तो वर्ष 1997 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात क्या था। हम लोग व्यय निकालने के लिए सीख लेते हैं। व्यय कैसे निकालते हैं इसकी चर्चा मैंने बहुत सरलतापूर्वक किया है। व्यय यानी एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो व्यय कैसे निकालते हैं, इनकम गुना 100 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हो गया आपका व्यय निकालने के लिए सूत्र। इस सूत्र को याद रखेंगे, और पिछले प्रश्न में भी एक सूत्र का प्रयोग हुआ था, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि लाभ निकालना हो तो व्यय गुना लाभ प्रतिशत। आगे मैंने लिखा है, इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। मैंने आगे यहाँ देखिए, यदि आय निकालना हो तो व्यय प्लस व्यय का लाभ प्रतिशत करेंगे। यानी जो पहले प्रश्न में दो सूत्र, दोनों सूत्र को मैंने जोड़ दिया है। लाभ निकालने के लिए व्यय गुना लाभ प्रतिशत किया, यहाँ पर कर दिया मैंने कि व्यय प्लस व्यय का लाभ प्रतिशत, लाभ के बदले मैंने लिख दिया व्यय गुना लाभ प्रतिशत यहाँ पर। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने व्यय निकालने का सूत्र दे दिया है, आप सूत्र को याद रखेंगे तभी एग्जामिनेशन हॉल में आपसे प्रश्न बनेगा। तो सूत्र को आप अलग एक कॉपी में एक जगह नोट कर लेंगे और इसको ध्यान रखेंगे। जब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी तो इसको देखते रहेंगे, तो सूत्र धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माना वर्ष 1997 में दोनों कंपनियों का बराबर बराबर आय है, तो X पहले कंपनी के लिए भी और दूसरे कंपनी के लिए भी, दोनों मिलाकर के कुल कितना मान लिए कि 2X थी, तो पहले कंपनी के लिए भी X, दूसरे कंपनी के लिए भी X, क्योंकि दोनों में प्रश्न में दिया हुआ है कि बराबर बराबर आय थी। उसके बाद यदि आप लाइन ग्राफ को देखेंगे तो कंपनी एक्स का जो प्रॉफिट परसेंटेज है, लाभ प्रतिशत है, वह एक्स के लिए 45% है 1997 में। ठीक है, अब आपको क्या पता हो गया, आय पता हो गया और प्रॉफिट परसेंट पता हो गया। तो क्या करेंगे कि कंपनी का व्यय बराबर एक्स का, एक्स कंपनी का व्यय बराबर 100, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनकम गुना 100। तो इनकम है हमारा एक्स, एक कंपनी का, दोनों का बराबर बराबर था इसलिए मैंने 2x लिखा है। तो एक्स गुना 100, तो 100x हो गया, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट है 45, तो 100 प्लस 45 यानी 100x बटे 145। अब इसको कटाएंगे तो 20 गुना 5 100 और 29 पंच 145, तो ये कटकर हमारा आ जाता है 20x बटे 29। ठीक इसी प्रकार से Y कंपनी का लाभ प्रतिशत आपका 1997 में दिया हुआ 35% है, और Y कंपनी का व्यय दोनों के लिए एक्स एक्स माने थे, तो Y कंपनी का भी व्यय कितना हो जाएगा, तो 100x बटे 100 प्लस 35, ऊपर वाले की तरह ही इसी सूत्र पर 100x बटे 100 प्लस 35, तो ये हो गया 100x बटे 135, और कटाएंगे तो 20 पंच 100 और 27 पंच 135, ये कट गया। अब आपसे पूछा था कि x का y के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछे ना उसको नीचे,
ठीक है, तो आपका x क्या है 20x/29, तो ऊपर में मैंने लिखा 20x/29, और y के सापेक्ष पूछा है तो y को नीचे बटे में, तो 20x/27। आप जानते हैं कि जब दो बार बटे हो जाएगा तो क्या करते हैं, नीचे वाले को उल्टा कर देते हैं, भाग का उल्टा गुना, तो ऊपर वाले को लिखा जैसे के तैसे, यानी 20x/29, और नीचे वाले को उल्टा कर देंगे, तो बीच में चिन्ह दिया गुना का ये वाला, और 27 जो नीचे था अब 27 को ऊपर लिखे, और 20x जो यहाँ पर ऊपर में था इसको यहाँ पर नीचे लिखे, तो लिखे 20x/29 गुना 27/20x, तो ये क्या होगा, 20x कैंसिल हो गया, 27/29 बचा, इसको लिख सकते हैं आप 27:29, तो ये दूसरा का उत्तर हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल समझा रहा हूँ, 5 मिनट ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन वीक स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, यह काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि दोनों कंपनियों, कंपनी एक्स और कंपनी वाई, दोनों कंपनियों का वर्ष 2000 में आय का अनुपात क्रमशः 3:4 रहा हो, तो वर्ष 2000 में उनके व्यय का अनुपात क्या है आपको निकालना है। आपको लाइन ग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज, और अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो आय का अनुपात, इनकम का अनुपात दिया हुआ है, तो व्यय का अनुपात निकालना है। व्यय निकालने के लिए हम लोग अभी सूत्र देखे हुए हैं, व्यय देखिए, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए इसी सूत्र पर बिठा करके हम लोग हल कर लेंगे। आइए इसको भी हल मैंने कर रखा है। माना वर्ष 2000 में कंपनी एक्स एवं वाई कंपनी के आय क्रमशः अनुपात में दिया हुआ था, हम लोग मान लिए कि एक्स के लिए आय हो गया आपका कितना 3A, और वाई कंपनी के लिए जो इनकम हो गया वो हो गया हमारा 4A, मान लिए। अब वर्ष 2000 में एक्स कंपनी का प्रतिशत लाभ उसी लाइन ग्राफ से 2000 में दिया हुआ है 65%, इसलिए वर्ष 2000 में एक्स कंपनी का व्यय पिछले सूत्र के आधार पर, इसी सूत्र के आधार पर, ठीक है, मैंने लिखा यहां पर 3A आपका क्या है, आय है, गुना 100, और फिर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये मैंने किया तो ये हो गया 300A/165, आप 15 गुना 11 करेंगे तो 165 हो जाएगा, और 15 गुना 20 करेंगे तो 300 हो जाएगा, तो 20A, इसको कटने के बाद कितना हो गया 20A/11, ठीक है। इसी प्रक्रिया के तहत, इसी प्रकार से अब वर्ष 2000 में Y कंपनी का प्रतिशत लाभ दिया हुआ है टेबल से 50%, इसलिए वर्ष 2000 में Y कंपनी का जो व्यय होगा ये क्या हो जाएगा, आय गुना 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, तो ये हो गया आपका 400A/150, जब इसको कटाएंगे तो 50 × 3 150 और 50 × 8A = 400A, तो ये दोनों कट का हो गया 8A/3। अब कहा था कि दोनों का व्यय का अनुपात बताइए, हमने निकाल लिया एक्स का व्यय और वाई का व्यय, दोनों का अनुपात लिख देंगे, तो कंपनी एक्स एवं कंपनी वाई के व्यय का जो अनुपात होगा 20A/11 / 8A/3, यदि आप इसको कटाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, 20 और 8 को कटाएंगे और क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा आपका 11 × 22 और ये हो जाएगा आपका 5 × 3 = 15, तो ये हो जाएगा 15:22, तो ये हो गया तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न का कहना है कि वर्ष 1996 में एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था, जो भी मानना है, एक्स एक्स मानना है तो दोनों के लिए एक्स मान लीजिए, दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था, तथा दोनों कंपनियों की कुल आय यानी टोटल इनकम वर्ष 1996 में कितनी थी, 342 करोड़ रुपये थी, तो 1996 में उन दोनों कंपनियों का कुल लागत कितना था ये निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि आप आय निकालने के लिए सीख चुके हैं, इसमें आय निकाल कर देख चुके हैं पहले प्रश्न में, यहाँ पर कुल लागत कितना था ये आपको बताना है, तो लागत का मतलब होता है व्यय, ठीक है, तो आइए इसका उत्तर व्याख्या हम लोग देखते हैं, कैसे इसको हल करना है यह देखते हैं। यहाँ पर है वर्ष 1996 में एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों के लिए जो व्यय है, चूंकि बराबर बराबर दिया हुआ था तो मैंने मान लिया दोनों को संयुक्त रूप से 2x करोड़ रुपए।
वर्ष 1996 में एक्स तथा वाई कंपनियों का लाभ क्रमशः 40% और 45% थी, यह टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न से, प्रश्न को यहाँ से सूत्र जो पहले भी मैंने आपको बता दिया है इस सूत्र को, कि आय बराबर, पहले प्रश्न में ये बात आई थी, वहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया था कि आय बराबर व्यय प्लस व्यय का लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है आपका आय। तो इसी सूत्र के आधार पर मैंने क्या किया कि x प्लस x का 40% कंपनी x के लिए और प्लस कंपनी y के लिए x प्लस x का 45%, चूँकि x का प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत 40 और y का प्रॉफिट परसेंट है 45 है, दोनों के लिए इन दोनों के लिए व्यय जो है x और x बराबर बराबर है, यह प्रश्न में दिया हुआ है और कहा दोनों मिला करके जो है आपके पास आय है कितना 342 करोड़ रुपया। तो मैंने दोनों का आय निकाल करके जोड़ दिया और लिख दिया 342, यही प्रश्न में कह रहा था। ठीक है, अब यदि x प्लस x का 40% करेंगे तो ये हो जाएगा 140 x बटे 100, और x प्लस x का 45% करेंगे तो हो जाएगा 145 x बटे 100, और इतना बराबर कितना है 342। इस दोनों को यदि जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 285, और 100 और 100 का एलसीएम लिए तो हुआ 100, बराबर में है 342। उसके बाद 100 गुना हो जाएगा 342 से, और 285 हो जाएगा बराबर के उस पर में जाकर के बटे, यानी x बराबर आपको कहा जाए पूछा जाए तो कहेंगे 342 गुना 100 बटे 285। आप यदि इसको कटा करके हल करेंगे तो हो जाएगा 120 करोड़ रुपये। अब आपसे पूछा था कि कुल जो है लाभ कितना है, तो कंपनी X का लाभ हो जाएगा कितना, कंपनी X का लाभ हो जाएगा व्यय गुना, व्यय मतलब हुआ प्रोडक्शन लागत, व्यय में यदि आप प्रॉफिट परसेंट से गुना करेंगे तो शुद्ध लाभ प्राप्त होगा। पहले प्रश्न में याद करिए, वहाँ पर मैंने आपको यह सूत्र बताया है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि लाभ यदि निकालना हो तो प्रोडक्शन लागत यानी व्यय गुना लाभ प्रतिशत करेंगे तो आपको शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इसी बात को ये मैंने यहाँ फिर से इस प्रश्न में आया है कि कंपनी एक्स का लाभ कितना हो गया, तो 120 आपका व्यय था और 40% प्रोडक्शन पर प्रॉफिट था, तो वर्ष कब 1996 में, तो ये निकल गया 48 करोड़ रुपया। कंपनी वाई के लिए प्रॉफिट हो गया आपका 54 करोड़ रुपया। पूछा कुल प्रॉफिट बताइए, कुल लाभ बताइए, तो 48 + 54 बराबर 102 करोड़ रुपये जो है कुल लाभ है। उसके बाद आइए चलते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न पर। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा क्या कहता है कि वर्ष 1998 में कंपनी एक्स का व्यय जो है, व्यय का मतलब प्रोडक्शन लागत से है, तो व्यय जो है 200 करोड़ रुपए था, तो व्यय दिया हुआ है, क्या करेंगे, इनकम आय निकाल लेंगे। तथा कंपनी एक्स का 1998 में आय वर्ष 2001 में किए गए व्यय के बराबर था, तो 200 करोड़ रुपए की मदद से हम लोग 1998 में आय निकाल लेंगे, और जितना आय होगा यही हो जाएगा 2001 में व्यय, तो इस व्यय की सहायता से फिर से 2001 में आय निकाल लेंगे। तो हम लोग आय निकाल कर कई बार देख चुके हैं, प्रश्न एक में भी और अभी अभी प्रश्न पिछले प्रश्न में भी, तो इसी प्रकार से हम लोग पिछले सूत्र का प्रयोग करते हुए निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ अंतिम प्रश्न है, एक्स कंपनी का वर्ष 1998 में आय इनकम, तो हम लोग क्या करते हैं, इनकम निकालते हैं व्यय प्लस व्यय का प्रॉफिट परसेंट, तो इस तरह से निकल जाता हमारा आय कितना हो जाएगा 200 + 200 का 55%, तो 55 × 110, तो 200 + 110 310 करोड़ रुपये आपका 1998 में कंपनी एक्स का क्या हो गया, इनकम हो गया, आय हो गया। उसी प्रकार अब क्या करेंगे कि यहाँ दिया हुआ है वर्ष 2001 में एक्स कंपनी का व्यय 310 करोड़ रुपया, चूँकि ये जो इनका 1998 में इनकम है 2001 में वो व्यय हो जाता है, दोनों बराबर था आपस में। ठीक है, अब यहाँ से फिर से आय निकाल लेंगे इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2001 में कंपनी एक्स का आय, तो आय क्या होता है व्यय प्लस व्यय का प्रॉफिट परसेंट, तो 2001 में कंपनी एक्स का प्रॉफिट परसेंट है 50%, तो 310 + 310 का 50%, 310 का 50% होता है 155, यानी 310 + 155 = 465 करोड़ रुपया, ये हो गया वर्ष 2001
एक में कंपनी एक्स का आय यानी कंपनी एक्स का इनकम। तो ये था हमारा 66वें बीपीएससी के लिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग बना चुके हैं। अगले वीडियो में लेकर आऊँगा मैं क्वेश्चन नंबर 14 66वें बीपीएससी का। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।